कोई छोरी देख रही थी। कोई बात नहीं गाइस, अपनी बाइक इतनी सेफ्टी है कि भाई क्या कर रहा है यार। यमुना एक्सप्रेस वे है ना, वो अलग ही चीज़ है, वहाँ पे टोल देना बनता है। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे गजब नज़ारे हो रहे हो भाई। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपना हरिद्वार। तो भाई देखो, पहली बार जा रहा हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता रास्ते में कैसा क्या है, ठीक है, जो भी है सब देखेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा मैं, और हो सकता है इसकी दो क्लिप बन जाए, क्योंकि भाई जाना और आना दोनों में कवर करूँगा उसमें। तो गाइज यहाँ पे बार बार ऐसे छोटे छोटे गाँव आते हैं, तो इसलिए हमें गाड़ी बिल्कुल देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे बच्चे घूमते रहते हैं और गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलती रहती हैं। अरे आंटी जी वुमेन सही में उन्होंने गाड़ियाँ हाथ दे के रोक दी, देख रहे हो पावर वुमेन की। गाड़ी हमेशा स्लो चलानी चाहिए, 100 से नीचे रखो गाड़ी को, और साइलेंसर वगैरह कुछ नहीं लगाने चाहिए आपको गाड़ी में, ठीक है। पुलिस वालों के बगल से तो कभी मत निकालो इस, ठीक है, समझ गया। ठीक, अभी हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर। भाई आगे पड़ेगी पुलिस चौकी, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर तक आया हुआ हूँ, उसके आगे मैंने कुछ नहीं देखा। तो अभी लगाएंगे अपना मोबाइल और देखते हैं मोबाइल हमें कहाँ तक ले जाएगा, किस मोड़ पे, किस रोड पे, है ना, सब कुछ पता चलेगा गूगल मैप लगाने के बाद। भाई रिएक्शन दे दे बच्चे, भोपो भोपो, देखो देखो राइडर राइडर ऋषिकेश है 97। तो ऋषिकेश भाई दूर पर जाएगा थोड़ा सा, दूर क्या, हरिद्वार में पूरा दिन निकल जाएगा अपना, और आज संडे है, हमारी छुट्टी है, तो इस चक्कर में हम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यार छुट्टी वगैरह मिलती नहीं है, अपनी जॉब ही ऐसी है, जॉब कैसी है वो बताएंगे हम बाद में। 69 किलोमीटर रह गए यहाँ से हरिद्वार, यार पहुँच जाएंगे, मौसम भी ठीक ठाक ही हो रहा है। पर गाइस हमारे यहाँ पर टोल नहीं लगेगा बाइक का, यह यमुना एक्सप्रेस वे है ना, वो अलग ही चीज़ है, वहाँ पे टोल देना बनता है, मगर यहाँ पे टोल नहीं है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, ये टोल के लायक नहीं है भाई रास्ते। यार चुपकी रहती है भाई साहब, सूखी सी लड़की है, सूखी सी और चुपकी रहती है भाई। वेलकम हरिद्वार कुंभ सिटी, वाओ, तो हमारा स्वागत कर दिया गया गाइस। मुझे स्वागत ऐसे कैसे हो रहा है भैया, चेकिंग चल रही है क्या? अगर चेकिंग चलेगी तो हम डीपी कलर निकालेंगे और तुरंत लगा देंगे, क्योंकि हमें अल्लाह उल्ला नहीं चाहिए। इधर चलना, अच्छा भाई बिल्कुल स्लो स्लो निकालेंगे, गियर अप करके, गियर डाउन कर दिए, वहीं पर बैंड बज जाएगी अपनी। देव भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लड़की को सही में बिल्कुल ही वो नहीं है, देखो कपड़े उड़े जा रहे हैं, चिपकी बैठी है। It's her choice. तो हम निकल रहे हैं भैया, और आगे चल रही है हमारे मर्सिडीज GL 350 CDI 4MATIC, ठीक है। अब पता नहीं भैया कौन सा मॉडल कैसा होता है, कितने का आता है, हमें कुछ नहीं पता, बस मर्सिडीज है भाई, महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ की तो होगी गाइस, में पता नहीं। पटाखे मार रही है भाई, रोड कौन सा है समझ में ना आ रही। अरे गुलशन कहाँ भाई, कहाँ तुम कहाँ जा रहे? मैं हरिद्वार, चल तो हरिद्वार, अच्छा अरे भाई मैं तो तीन बस बदल गई, 3-4 बार रुको मैं तो रास्ता में, हाँ नहीं रुक अभी, ये बता रास्ता देखो ना तेने, ये तो ठीक है, चल तू चल आगे चल, ये बढ़िया है, चल चल चल। तो गाइस हमें अपना यार मिल चुका है, एक
ये अपने साथ में रहता था पहले रूम पे, फिर इसने रूम चेंज कर लिया। और यार कहाँ से निकले हैं, जाम ही जाम लगे पड़े हैं भाई, जाम ही जाम, पता नहीं क्या देख रहा है। गर्मी गर्मी गर्मी, पीछे लगाऊं क्या? सेफ्टी फर्स्ट, बढ़िया लग रही है ना। अरे यार लौंडा बड़ा खुश हो रहा है भाई, खुश हो रहा है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है यार। और ये भैया भी अपनी रॉयल एनफील्ड लेके जा रहे हैं क्लासिक 350, अपना सेम नी गार्ड और एल्बो गार्ड लगा के, ऐसा लग रहा है मेरे साथ ही जा रहे हैं। और भैया कहाँ से, कहाँ से? दिल्ली। अच्छा बढ़िया, ये क्या रिवोल्ट और जो है भाई। यहाँ पे खिलौने मिलते हैं, बैटरी वाले खिलौने, हाँ बैटरी वाले खिलौनों की दुकान है यहाँ पे गाइस। अरे बच्चे के रिएक्शन, अरे क्यूट सा बच्चा लग रहा है। तो गाइस अभी ट्रैफिक में चल रहे हैं हम, तो ठीक है ब्रेक लगा ला के हो चुके हैं परेशान, और हमें मिलना नहीं है हाईवे, तो और ज़्यादा परेशान हो गए भाई। अरे चाइनीज अभी लगी जाती, चाइनीज के तुम निकलो। अरे अंतर्यामी से लग रहा है, अंतर्यामी लाइट। बहुत गर्मी भाई बहुत। उत्तर रेलवे हरिद्वार, अच्छा रेलवे स्टेशन है, और उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों सामने सामने हैं भाई। हाईवे से परेशान नहीं होते यार, 500 चलवा लो तुम लगातार, मगर जब 10 किलोमीटर के लिए तुम बोल दो ना कि ऐसे रास्ते पर जाना, तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर। हाँ सही है भाई, सही है। ओहो अंकल जी राइडर है भाई, सही है। तो गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अभी हॉर्न देना पड़ेगा तगड़ा वाला, ठीक है। ज़्यादा परेशान हो गए यार, बहुत भीड़ है, लोग हट ही नहीं रहे बिल्कुल भी, लोग बिल्कुल नहीं हट रहे भाई बिल्कुल भी। हम हरिद्वार तो आ गए मगर हमें घूमना कहाँ भाई, पता ही नहीं हमें, पहले कहीं ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे अपनी चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था हो जाए, मोबाइल वोबाइल। अरे ये क्या हो रहा है, अंकल का कच्चा गिर गया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार, हरे हरे शंभू, कहाँ पे रुकना हमें कुछ पता ही नहीं भाई, पहली बार आया हूँ, कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ पे जाना कैसे जाना। भाई यहाँ पे ज़्यादा अल्लाह उल्ला नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भाई नहाना भी हमें, तो नहाने व्यवस्था करेंगे। ये भी रोके क्या, ये रोक लो यार साइड पर, गर्मी भाई भयंकर गर्मी। गाइस हमने सोचा हरिद्वार नहा के चलेंगे और उसके आगे चलेंगे ऋषिकेश, मगर साथ वाला मेरा फ्रेंड मिल गया था, तो वो कह रहा है कि पहले ऋषिकेश चलते हैं उसके बाद में लौट के हरिद्वार आ जाएंगे। अरे भाई देखो फ़ोन लगा हुआ कान पे बिना कोई हेलमेट के, दीदी। अरे दीदी क्या कर रही हो दीदी? तो आपको पता है ना बातें कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें। ओहो हर हर महादेव, हर हर महादेव, एक हर हर महादेव का फ़ोटो भी हो जाए, जाएगी गाड़ी निकल जाएगी। भाई उनके हाथ के बीच में से मेरा शीशा निकला है। क्या
मजा है भाई, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता भाई साहब। ये देखो भाई पहाड़ी पहाड़ यार सामने। भाई मैं सही बताऊँ, मैंने पहली बार ही पहाड़ देखा है तो मैं पगला गया हूँ, पागल सा हो गया उन्हें देख के। फोन बंद हो गया, फोन स्विच ऑफ है। हाँ हाँ फोन स्विच ऑफ। वो कहाँ? आगे पीछे ही है। अरे यार अच्छा, प्रेमा भाई स्टेशन पे खड़े होगा, फ़ोन कर रहा हूँ। टाइमर चलो, फ़ोन स्विच ऑफ, 1% बैटरी पर बात करिए। ना दूसरों में सिम ना है, सिम तो है रिचार्ज ना करा। वहाँ मैं गरीब हूँ, वो एक्स्ट्रा के लिए। कहाँ से किधर तक जाएंगे? ये रोड है क्या सामने ऊपर? हाँ ये ऊपर रोड है। भाई पूरा जाम लगा हुआ है। यार हम भी ऐसे कपड़े पहन पाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है भाई, गर्मी बहुत है। क्या कर रहे हो भैया? खतरनाक रोड है भाई, खतरनाक यार। यहाँ से लीन करने में कितना गजब मजा आएगा, वो कर ही नहीं सकते। जाम देख रहे हो, क्या सोच के आए थे क्या हो रहा है भाई? सोच के आते लीन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर लो लीन है। यहाँ पे गाड़ी तो चल रही नहीं ठीक से, हम लीन करेंगे। तो गाइस यार बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे खाना वाना खाया अभी, और यहाँ से खाना आके हम निकल रहे हैं रेड हट फूड चस्का। ये हॉस्पिटल है? अच्छा तो गाइस ऋषिकेश भी आ ही गए। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे अपना थोड़ा फास्ट फूड वगैरह मिल जाता है। क्या हो रहा भाई, क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। भैया भाग के गए, उनकी गाड़ी थी वो लड़की को छोड़ के गाड़ी में से बाहर घूम रहा था। अरे देखो भाई नज़ारे, गजब नज़ारे हो रहे भाई साहब। आज तुम्हारे इतने मजा कर पाते हैं यार, ये नहीं देख पाता मैं। रास्ता तो खराब सा हो रहा है, क्या टूकन वूकन कर रहे हो यहाँ पर? अच्छा अच्छा ऊपर क्या है वैसे, ऊपर क्या चीज़ है? अच्छा चलो चलो चलो, ठेका भी है यहाँ पे, वाह। मतलब भाई ये ठेके हैं ना, कहीं पे भी बंद नहीं हो सकते, कहीं पे भी। आप पूरे इंडिया के कोने कोने में चले जाओ, वहाँ ठेका मिल जाएगा आपको। भाई साहब ठेके ऐसी जगह है जो तुम्हें पूरी इंडिया के हर किसी चौराहे पे मिल जाएगा, हर किसी कोने मिल जाएगा। बताओ